आरजेडी खेमे से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या तैयारी चल रही है? अंदर खाने की खबर जब कशिश न्यूज ने खोद निकालने की कोशिश की तो वहां से जानकारी क्या निकल कर आई? आरजेडी विधायक दल की बैठक को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आई वो साफ है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जो बैठक हुई उसमें तमाम विधायकों और विधान पार्षदों को ये शायद निर्देशित किया गया है कि वो किसी तरह की टीका टिप्पणी न सहयोगियों पर करें न विरोधियों पर करें, और जो जानकारी साझा की गई विधायकों द्वारा वो इतनी कि उन्होंने किसी भी निर्णय के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है, और साथ ही सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो पटना में ही रहें। वोट बैंक को हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष समर्थन वापस लेंगे सारे, नहीं जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए क्या तय हुआ मनोज? बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया किस और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में उसके संदर्भ में जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का इधर देख, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है, उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेकिन जेडीयू ने कहा अगर आपको कंफ्यूजन है उन्होंने कहा था ना अगर आपको कंफ्यूजन है तो भैया डूबेगी सरकार। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अधिकृत हैं, जो निर्णय वो लेना चाहें ले लें। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, काफी आपने कोशिश की आरजेडी की बैठक के बाद अंदर खाने क्या हुआ ये खबर निकालने की, लेकिन काफी मजबूती से तमाम विधायकों ने कोई भी बात बाहर नहीं आने दी। लेकिन दीपक, हमने अंदर की खबर निकाली है, कशिश न्यूज़ के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है हम ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि आखिर आरजेडी के विधायक दल की बैठक में हुआ क्या। बाहर निकले मनोज झा, उन्होंने दो टुक में कहा कि लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है कोई भी फैसला लेने के लिए। लेकिन जो आप जानकारी दे रहे थे उसमें हम आगे जोड़ते हैं, सभी 79 विधायकों का हस्ताक्षर लिया गया है, बहुत अहम जानकारी है, सभी विधायकों का हस्ताक्षर लिया गया है और सभी विधायकों को कहा गया है कि क्षेत्र में न जाएं, अगले दो दिनों तक आप पटना में ही रहेंगे। ये एक बड़ी जानकारी है। और तीसरी बड़ी जानकारी है कि जेडीयू के कोई भी नेता या प्रवक्ता हमला करे, कुछ भी बोले आरजेडी पर या गठबंधन पर, आपको रिएक्ट नहीं करना है, मीडिया के अंदर कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जिससे ये साबित हो कि आरजेडी हमलावर है। यानी एक साफ निर्देश दिया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि अब जो कुछ भी फैसला लेना है वो हम लेंगे, लेकिन आप लोगों को स्थायी तौर पर पटना में रहना है। और सभी का हस्ताक्षर इसलिए भी लिया गया ताकि कल को अगर विधानसभा राजभवन जाकर वहां पर बहुमत साबित करना पड़े तो हस्ताक्षर होने चाहिए। तो बहुत अहम जानकारी है अंदर खाने से कि लालू प्रसाद यादव ने सारे विधायकों को, उससे पहले सारे लोगों का मोबाइल रखवा दिया गया था बाहर ताकि कोई किसी से संपर्क ना कर सके। तो सख्त निर्देश है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का, कोई भी विधायक फोन पर बातचीत में किसी के बारे में कोई टिप्पणी ना करे, खासकर जेडीयू के अगर कोई अगर नेता बातचीत करते हैं कोई जानकारी नहीं देनी है, मीडिया में कोई बात नहीं करनी है, दो टुक बात करनी है कि लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है और वही फैसला लेंगे। लेकिन अंदर खाने में जो तैयारी चल रही है, जो बड़ी रणनीति है लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, वो जानकारी हम साझा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से रणनीति ये बन रही है कि नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेंगे तो फिर उनके विधायक, फिर कांग्रेस और वाम दल उनके साथ खड़े हैं, उनके पास संख्या बल है, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन कोई तोहमत आरजेडी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल, ये समर्थन वापस हो चुका है। अमित,
आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर कशिश न्यूज आप तक यह पहुंचा रहा है कि आरजेडी विधायक दल की बैठक को लेकर जो चुप्पी सभी विधायकों ने साध रखी थी, अंदर क्या हुआ उसकी जानकारी खास कशिश न्यूज के पास है और वो हम आपको बता देते हैं और फिर प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे, आपको बताएंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद, मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद किस तरह से विधायकों ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बैठक में क्या हुआ इसकी जानकारी हमारे सहयोगी अमित ने पता लगाई है। बैठक में सभी विधायकों के मोबाइल फोन बाहर रखवाए गए, तब उन्हें बैठक में शामिल होना दिया गया। दूसरी बड़ी खबर इस बैठक से निकलकर यह सामने आई कि वहां सभी विधायकों का हस्ताक्षर लिया गया है, यह दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर कि तमाम विधायकों को निर्देशित किया गया है कि किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी न विरोधियों को लेकर, न खास तौर पर अपने सहयोगियों को लेकर मीडिया के सामने करें या फोन पर ही किसी से बातचीत के दौरान इस तरह की कोई टीका टिप्पणी से परहेज करें। तो ये तीन बातें फिलहाल निकलकर सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण कि बैठक में होने वाली बातों को किसी तक पहुंचाने की कोई कोशिश ना करे, इसके लिए मोबाइल रखा गया, सबके हस्ताक्षर लिए गए, इसका क्या मतलब है हमारे संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बैठक के बाद कितनी कोशिश की गई प्रतिक्रिया लेने की और उन कोशिशों का क्या परिणाम निकला, एक बार आप देखिए। बैठक में क्या हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए, बैठे, गपशप किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किए, आपका निर्णय जो होगा हम लोग मानने के लिए तैयार। तो इसमें मतलब वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई होगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। विषय बहुत साफ है, लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ, बाकी निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना है। लालू जी से बातचीत हुई आप लोगों की, विधायकों से जो बातचीत हुई क्या कहा? सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, लोकसभा को चुनाव को लेकर के चर्चा हुआ, उस पर एकजुटता की बात हुई और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। लेकिन सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत कर दिया। क्या हुई बात? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। सभा की तैयारी की बात हुई और लोकसभा में हम लोग 40-40 क्या हुआ बैठक? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या 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 बैठक में हुआ? अधिकृत क्या लालू जी को अधिकृत किया गया है? लालू का जवाब दूसरा कोई नहीं, जेडीयू की तरफ से लोग कह रहे हैं कि तीर चलेगा, इस तरह के बयान का क्या मतलब? वो उसका वो जो बोल रहे हैं उसका जवाब वही देंगे, उसका जवाब कोई दूसरा कोई नहीं देगा। सब कोई बात नहीं भाई, अभी कोई बात नहीं है।